नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आइए आपको दिखाते हैं देश और प्रदेश की तमाम खबरें। आजमगढ़ जिले के अरेउला थाना क्षेत्र के पारा गांव निवासी मौर्य दंपति हत्याकांड के खुलासे एवं उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य द्वारा दिए गए आर्थिक मदद के आश्वासन को पूरा करने की मांग को लेकर बीते 71 दिन से अंबेडकर पार्क में धरने पर बैठे मृतक दंपति के बच्चों सोमवार को जन आंदोलन का आयोजन किया। इस दौरान पीड़ित बच्चों के साथ सामाजिक संगठनों के लोगों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। पीड़ित बच्चों ने कहा कि जब तक घटना में शामिल सभी लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि मौर्य दंपति इंद्रपाल व शकुंतला मौर्य 14 जून को दवा लेने के लिए सागन गए थे, इसके बाद दोनों लापता हो गए। 16 जून को दोनों की लाश अंबाड़ी स्थित स्कूल के सामने सड़क के किनारे गड्ढे में पड़ी मिली थी। परिजनों ने तीन के खिलाफ नामजद धरी दिया। लंबा समय बीत जाने के बाद भी नामजद एक भी अभियुक्त गिरफ्तारी नहीं हुई। पूर्व में भूख हड़ताल पर बैठने पर पुलिस ने दो लोगों को साजिशकर्ता के रूप में चिन्हित कर गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। मृतक दंपत्ति के अनाथ बच्चे हत्याकांड के पूर्व खुलासे को सरकारी नौकरी व मुआवजा सहित आदि की मांग को लेकर 17 अक्टूबर से धरने पर बैठे हैं। धरने के 71वें दिन पीड़ित बच्चों ने सामाजिक संगठनों व अन्य लोगों के साथ कलेक्ट्रेट क्षेत्र में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। पीड़ित बच्चों ने घटना का पूर्ण खुलासा करने व मुआवजे की मांग के साथ ही कहा कि जब तक पूर्ण रूप से घटना खुलासा नहीं हो जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वही पुलिस अधीक्षक अनुरागारी ने कहा कि इस मामले में दो आरोपियों को जेल भेज गया है, जबकि इस घटना में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है जिसमें SOG सर्विलांस जनपद के इंस्पेक्टरों को शामिल किया गया है। विवेचना साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ रही है और गठित टीम जल्द ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करेगी। बच्चों को आश्वासन दिया गया है, उनकी सुरक्षा पुलिस कर रही है, इसके साथ ही उनके हुई जो भी जायज मांगे हैं उनको पूरा किया जा रहा है। मेरा नाम प्रिया मौर्य है। अच्छा, आप लोग के धरना प्रदर्शन बैठे थे, आज क्या मामला हुआ आप लोगों के साथ? मेरे माता पिता की 14 जून को किडनैप करके हत्या कर दी थी। 16 तारीख उनकी डेड बॉडी मिली थी अंबारी जनता इंटर कॉलेज में। 6 महीने हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और हम लोग 71 दिन से धरने पर बैठे हैं। गिरफ्तारी नहीं हुई जी? नहीं, अभी तक नहीं हुई है। नामजद FIR है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। 71 दिन से हम लोग धरने पे बैठे हैं। क्या आश्वासन मिला आज DM साहब द्वारा? आप लोग मिले हैं? DM सर बोल रहे हैं कि हमको लिख के दो, जो हमारे बस में है वो हम करेंगे। गिरफ्तारी के लिए? गिरफ्तारी के लिए बोल रहे हैं कि अगर आपको उन पे भरोसा नहीं है तो आप लोग लिख के दीजिए, हम जांच चेंज करवाएंगे, टीम चेंज करवा देंगे। अच्छा, पुलिस कर रही है, दो चार लोग अंदर हैं, उससे आप लोग क्या कर रहे हैं? दो लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो हमारे पापा का पीछा करते हुए CCTV कैमरे में दिखे हैं, इसी के आधार पर पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है। आप क्या चाहती हैं? हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे मम्मी पापा को इंसाफ मिले। क्या मेन अभियुक्त अभी फरार है? जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से हमारे मम्मी पापा को टॉर्चर किया गया था वो दो लोगों की बस की बात नहीं है, उसमें पूरा गैंग है, उसमें 10-12 लोग हो सकते हैं। तो हम बस इतना चाहते हैं जिन्होंने भी ये काम किया है वो पूरी गैंग पकड़ी जाए और उसको जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा हो सके वो मिले। और रही बात हमारे मुआवजे की, तो उन्होंने हमने DM साहब से बात की तो वो बोल रहे हैं कि हमने लेटर लिख के दिया था लेकिन अभी वहाँ से आया नहीं है। आप लोग रहने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? रहने के लिए हॉस्टल बोले हैं कि हाँ, तुम लोगों के रहने के लिए हॉस्टल की व्यवस्था की जाएगी। क्या धरना आप लोग समाप्त कर रहे हैं? क्या धरना तो अभी चलेगा। कब तक चलेगा ये? जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक केस का खुलासा नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। हत्याकांड में अभी तक जो नामजद आरोपी सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती, इसको लेकर आंदोलन लगातार जारी है सर, तो क्या सर अपडेट है? इस प्रकरण में जो FIR पंजीकृत की गई थी उसकी विवेचना की गई, दो लोगों को उसमें जेल भेजा गया। उसकी विवेचना के लिए एक स्पेशल टीम क्राइम ब्रांच में गठित की गई है, जिसमें SOG टीम को, सर्विलांस टीम को और जनपद के इंस्पेक्टर्स को उसमें शामिल किया गया है। स्पेशल टीम का गठन करते हुए कल मेरे द्वारा इनको घटना के फर्दर अनावरण और उसमें बाकी लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराने के लिए गठन किया गया। हम लोग साइंटिफिक तरीके से आगे ले चलते हुए विवेचना को और जो भी लोग इसमें शामिल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराएंगे। परिवार से भी मेरे द्वारा मुलाकात की गई है और उनको आश्वस्त किया गया है, समय समय पर उनसे मुलाकात करके आश्वस्त किया गया है कि उनको किसी भी प्रकार की सुरक्षा की भी समस्या नहीं होगी और जो भी उनकी जायज़ मांगे हैं उन पर हम लोग जो विधिक रूप से विचार किया जा सकता है वो किया जाएगा। उनका ये भी आरोप था कि पुलिस किसी दबाव में नहीं लोग पकड़ रही, जिनको नामजद किया गया? नहीं, किसी प्रकार का कोई दबाव पुलिस के ऊपर ना रहा है, ना पुलिस के ऊपर कोई दबाव किसी प्रकार का है। हम लोगों के द्वारा जो भी अब तक विवेचना में साक्ष्य आए हैं उसके आधार पर कार्रवाई की गई है और आगे भी ये कार्रवाई की जाए, इसीलिए टीम का गठन करके आगे की विवेचना सुनिश्चित की जाए।